हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने वीबीटी पर डिस्कस किया था और उसकी लिमिटेशन। आज अपन सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। ये सिद्धांत उन्नीस में हेंस बेथे के द्वारा दिया गया। बेथे ने आयनिक क्रिस्टल के जालक में एक विलगित यानी आइसोलेट धनायन को रखकर इस धनायन पर घेरे गए ऋणायनों के प्रभाव का अध्ययन किया, यानी क्रिस्टल जालक के अंदर जो ऋणायन थे उन ऋणायनों का उस धनायन के ऊपर क्या प्रभाव है उसका अध्ययन किया, अर्थात क्रिस्टलों में पाए जाने वाले स्थिर वैद्युत क्षेत्र जिसे क्रिस्टल क्षेत्र कहा जाता है में किस स्वतंत्र धनायन को रखकर उसके ऊर्जा स्तरों में आने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया गया। इन धनायन के ऊर्जा स्तर में क्या परिवर्तन आते हैं इसका अध्ययन हेंस बेथे द्वारा किया गया और इस आधार पर इस सिद्धांत को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा गया। इस सिद्धांत को समझने से पहले डी कक्षकों की जो आकृति है उनका शेप एवं इनकी अभिविन्यास ओरिएंटेशन को समझना आवश्यक है। डी कक्षकों का पांच प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर। ये पांच प्रकार के डी कक्षक। इन पांचों में से जो तीन कक्षक हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों कक्षकों की पालियां जो है लोब्स वो अक्षों के बीच में स्थित रहते हैं। जो एक्सिस होते हैं तीन एक्स वाई और जेड, उन तीनों अक्षों के बीच में सेंटर के अंदर इनके लोब्स होते हैं इन तीनों के। इन्हें टी टू जी अक्ष कक्षक कहा जाता है, यानी टी टू जी का यहाँ पे फुल फॉर्म में ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी प्रकार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर, इन कक्षकों के जो लोब्स हैं पालियां वो इन अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं। इन्हें ईजी कक्षक कहा जाता है। ईजी का मतलब यहां से है डब्ली डी जनरेट। इन दोनों प्रकार के टी टू जी और ईजी कक्षकों की आकृति कैसी होती है, इनका शेप कैसा होता है, तो नीचे ये दिखाया गया है इनकी आकृति। यहाँ पे टी टू जी जो कक्षक हैं ये तीन प्रकार के, उनमें पहला डी एक्स वाई, डी एक्स वाई के अंदर जो लोब है ये जो लोब है वो एक्स और वाई अक्ष के बिल्कुल बीच में स्थित है। इसी प्रकार जो डी वाई जेड कक्षक हैं इसके लोब्स भी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बिल्कुल बीच में स्थित है। और इसी प्रकार डी एफ जेड ऑर्बिटल है उनके अंदर लोब भी जो पालियां हैं ये पालियां एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में स्थित हैं। और जो ईजी कक्षक है इन ईजी कक्षकों के लोब्स हैं वो एक्सिस के ऊपर स्थित होते हैं, जिनमें पहला यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके लोब्स हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर ये लोब्स हैं और दूसरे वाले हैं जो वाई एक्सिस के ऊपर वो होते हैं। और जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है तो इनके जो लोब हैं वो जेड एक्सिस के
ऊपर स्थित हैं। तो ये इस प्रकार से इनकी अपन आकृति देख ली, इनका किस प्रकार से अभिविन्यास है। और नेक्स्ट अपन यहाँ पे CFT के अभिकृत क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अभिकृत पोस्टुलेट ऑफ CFT यहाँ पे। पहला अभिकृत, इस सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड बंद 100% आयनिक होता है, 100% आयनिक होता है। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है इनकी कि यहाँ पे लिगेंड और धातु के बीच का बंध है उसको CFT ने 100% आयनिक माना है। अतः धातु आयन तथा लिगेंड बिंदु आवेश, ये यहाँ पे इसकी और एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे धातु आयन तथा लिगेंड को किस रूप में माना गया है, पॉइंट चार्ज के रूप में माना गया है, बिंदु आवेश के रूप में माना गया है। तथा इनके मध्य यानी कि धातु आयन और लिगेंड के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। अर्थात किसी संकुल में केंद्रीय धातु धनायन तथा लिगेंड यदि ऋणायन जैसे फ्लोरो क्लोरो साइनो, जिसे तो किस रूप में माना गया है, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, तथा उदासीन अणु जैसे, ये लिगेंड और कौन से हैं, जैसे उदासीन जैसे एमीन एक्वा, जिसे बिंदु द्विध्रुव पॉइंट डाइपोल के रूप में माना गया है और इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। आगे एक बात कहिए किसके लिए, उदासीन जो लिगेंड है उनके लिए, उदासीन लिगेंड के द्विध्रुव, उदासीन लिगेंड में द्विध्रुव डाइपोल होगा, जैसे अपन किसी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक्वा का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अधिक विद्युत ऋणी है, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या आएगा, ऋणावेश आएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, धनावेश आएगा, या डाइपोल बन गया एक, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश। तो ये जो डाइपोल है उस डाइपोल का द्विध्रुव का ऋणीय द्विध्रुव है, नेगेटिव पोल है, वो धातु आयन की तरफ होता है। ये यहाँ पे इसका पहला अभिकृत है। इसी प्रकार इसका दूसरा अभिकृत डिस्कस करते हैं। दूसरे अभिकृत में यह कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धातु के डी कक्षकों में नहीं जाते, जो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धातु के डी कक्षकों में नहीं जाते हैं, अर्थात धातु आयन के कक्षकों तथा लिगेंड के कक्षकों के मध्य कोई अतिव्यापन नहीं होता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात बिल्कुल नहीं कही गई है, यानी कि यहाँ पे डी कक्षक जो है धातु आयन के और यहाँ पे लिगेंड के जो कक्षक हैं उनके मध्य किसी भी प्रकार का अतिव्यापन ओवरलैपिंग नहीं होती है इस सिद्धांत के अनुसार। तीसरा इसका अभिकृत, तीसरे अभिकृत में कहा गया है कि धातु आयन के डी कक्षकों की संभ्रंशता डी जनरेसी लिगेंडों के द्वारा संकुल बनाते समय समाप्त हो जाती है। यहाँ बात यह कही गई है कि धातु आयन के जो डी कक्षक हैं उनकी संभ्रंशता मतलब यहाँ से समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन जैसे ही संकुल बनता है, संकुल यौगिक बनता है, उस समय ये कक्षक समान एनर्जी के नहीं रहते हैं, उनकी डी जनरेसी रिमूव हो जाती है। विलकित गैसीय धातु आयन के
पांचों डी कक्षक यानी यहाँ पे यदि जो धातु आयन है वो आइसोलेट हो, यदि आइसोलेट विलगित हो और कैसा हो, गैसीय धातु आयन हो, उसके पांचों डी कक्षक समभ्रंश होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं और इनके चारों ओर, इन डी कक्षकों के चारों ओर ऋणावेशों का पूर्णतः गोलाकार सममित क्षेत्र निर्मित किया जाए। यानी ऋणावेशों का कैसा, पूर्णतः गोलाकार, बिल्कुल चारों तरफ गोलाकार होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, एकदम इक्वल सममित क्षेत्र निर्मित किया जाए, तो धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में समान वृद्धि होती है। उस स्थिति के अंदर यहाँ पे जो वृद्धि होगी वो पांचों कक्षकों की क्या होगी, समान होगी, क्योंकि पूर्णतः गोलाकार सममित क्षेत्र में सभी डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन समान प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। यदि क्रिस्टल फील्ड कैसा होगा, गोलाकार, पूर्ण रूप से गोलाकार होगा, सममित होगा, तो वहां पे डी कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, जिससे उनकी ऊर्जा है वो समान रूप से बढ़ती है। इसलिए अपन इनके स्प्लिटिंग के टाइम में आगे देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ रहता है इन स्फेरिकल फील्ड यानी कि गोलाकार क्षेत्र में उनकी ऊर्जा में वृद्धि दिखाई गई है, होती है पांचों डी ऑर्बिटलों की और वो भी समान। तो यदि सममित गोलाकार क्षेत्र है तो उनकी ऊर्जा समान रूप से बढ़ती है। और यदि अगली बात यहां से है इसी के अंदर, यदि क्रिस्टल क्षेत्र की सममिति गोलाकार से भिन्न होगी यानी गोलाकार नहीं है, तो सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में समान वृद्धि नहीं होगी। उस स्थिति में समान वृद्धि नहीं होगी, यदि क्रिस्टल फील्ड समान नहीं है तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनसे डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिनका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, कहीं प्रतिकर्षण कम होगा, तो किन की ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी, किन की ऊर्जा कम होगी, तो यहाँ पे उस स्थिति के अंदर डी कक्षकों की ऊर्जा में समान वृद्धि नहीं होगी। अतः डी कक्षकों का विपाटन है वो स्प्लिटिंग हो जाती है और जिस क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामी तत्व पर ये निर्भर करती है। डी कक्षकों का जो विपाटन है, स्प्लिटिंग है, ये क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामिति क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसके ऊपर निर्भर करती है। ये कौन सा तीसरा अभिग्रह था। नेक्स्ट जिसका अभिग्रह चौथा अभिग्रह है वो इसका ये है कि इस प्रकार डी कक्षकों के विपाटन से डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होगी, उससे कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं। कुछ डी कक्षक तो है वो कम ऊर्जा के हो जाते हैं, जिनकी प्रतिकर्षण कम होगा वो क्या हो जाएंगे, कम ऊर्जा के हो जाएंगे, जबकि शेष कक्षक उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है। अतः कई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते, कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे वो क्या हो जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, तथा कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। और इस दौरान जब निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE कहते हैं। यहाँ भी CFSE की डेफिनेशन है, परिभाषा कई बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। CFT का नेक्स्ट अभिग्रहित पांचवा, क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल कमी, यानी उनका विपाटन कैसे होता है, स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में जितनी कमी आती है डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल वृद्धि के बराबर होती है। यानी जितने डी कक्षक हैं उनकी कमी होती है, जो ऊर्जा में कुल कमी हुई है उतनी जो डी कक्षक ऊर्जा में वृद्धि होती है उनकी बराबर होती है। अर्थात विपाटन से
तंत्र की ऊर्जा है, जो सिस्टम की एनर्जी है, वह चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। कम ऊर्जा वाले तथा अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, उस ऊर्जा अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, जिसका मान टेन डी क्यू या डेल्टा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। टेन डी क्यू यहाँ पे जो है डी क्यू वो संकुल पैरामीटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो अभिग्रहित है छठा, कि वे लिगेंड जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र यानी कि टेन डी क्यू या डेल्टा का मान कम होता है, उन्हें दुर्बल लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, तथा जिन लिगेंडों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र यानी टेन डी क्यू या डेल्टा का मान अधिक होता है, उन्हें प्रबल लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। ये इसका छठा है अभिकृत। और उसके बाद में इसके इसी के अंदर यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन दे रखी है कि किस लिगेंडों के घटते क्रिस्टल क्षेत्र के आधार पर एक श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यहाँ पे ये जो सीरीज दे रखी है वो लिगेंडों के क्रिस्टल क्षेत्र के घटते हुए क्रम में दी हुई है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पहले हैं और वीक फील्ड लिगेंड है वो बाद में दे रखे हैं। कुछ महत्वपूर्ण लिगेंडों की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने यहाँ दे रखी है, कार्बोनिल से लेकर के यहाँ पे वीक फील्ड के अंदर आयोडाइड, जो आयोडो लिगेंड है वहां तक। तो यहां से जो एमीन है, कार्बोनिल से एमीन तक, ये हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और एमीन के बाद में यहाँ एक्वा से लेकर के आगे आयोडो तक के ये वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। यहाँ पे इसी के साथ ही यहाँ पे सीएफटी के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो अभिकृत है, पांच छह अभिकृत है, उस पर अपन ने डिस्कस कर दिया है। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।